देखिए, आज हमने बनाया है एग ब्रेड सैंडविच, जो बनाने में आसान है और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए कितना अच्छा बनाया है हमारा एग ब्रेड सैंडविच। तो चलिए इस रेसिपी को हम बना लेते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू माय स्टाइल फूड। देखिए हम ये ब्रेड सैंडविच बना रहे हैं। तो देखिए, हमने 4 पीस ब्रेड लिया है और 2 पीस हमने इसमें ये स्लाइस लिया है, चीज़ स्लाइस लिए हैं। तो इसको अब हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ब्रेड रखा है और ये दूसरा भी ब्रेड हमने ले लिया है और ये है चीज़। तो इसको हम इस पर, मेरे पास स्लाइस वाला था तो मैंने स्लाइस वाला ले लिया है, और आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, और इस पर हमने इसको रख दिया है और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर हम कवर कर देते हैं। और अब हम एक ग्लास लेंगे, तो इससे हम इसका सर्कल शेप ले लेते हैं। तो देखिए, हम इसको अच्छे से प्रेस करके इसका सर्कल शेप निकाल लेते हैं। और देखिए, इस तरह से ये सर्कल शेप में आ गया है। तो इसको हम रख देते हैं। और इसी तरह से हम इसका दूसरा ब्रेड भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारे एक पीस ये तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हम दूसरा भी ब्रेड में ये चीज़ को लगा देते हैं और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर कवर्ड कर देंगे। और फिर हम इसका सर्कल शेप ले लेते हैं। तो देखिए, ये कितना इजीली निकल गया है। और अब हम इसको ना रोस्ट कर लेंगे। तो हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। और देखिए, हमने हीट होने के लिए तवे को रख दिया है, तो हीट हो रहा है और हमने आंच को मीडियम रखा है। और ये हमने बटर लिया है, तो इसको हम इस पर स्प्रेड कर देते हैं पूरे तवे पर। और आंच का विशेष ध्यान रखना है हमको, मीडियम ही रखना है। और हम इस पर अब ब्रेड को रख देते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा ब्रेड भी इस पर रख देते हैं। और ये सर्कल शेप से ब्रेड है, तो इसको भी हम इसी में रोस्ट करेंगे। और अब हम लेंगे एग। तो हमने देखिए, ये एग लिया है, अंडा। तो एक पीस हम इसको क्रक करके इसमें डाल रहे हैं। और इसी तरह से हम दूसरा भी फिल कर लेंगे। तो देखिए, ये डल चुका है। और इसमें हमने देखिए ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो बहुत ही टेस्टी कर देता है इसको। और अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। और आप जो कुछ भी मतलब डालना चाहें तो डाल सकते हैं, प्याज डालना चाहें, टमाटर, तो ये सब डाल सकते हैं। बट मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये ऐसे ही इतना टेस्टी बनता है। और ये हमने ब्लैक पेपर लिया है, तो इसको भी डाल दिए हैं। और अब हम इसको ढककर कवर्ड करेंगे 2 मिनट के लिए। तो देखें, देख लेते हैं इसको। और अब हम इसमें ना बटर को स्प्रेड कर देते हैं ऊपर इसका, जिससे कि ये बेक और अच्छे से हो जाए और ये बटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो कवर करके रख देते हैं। और अब हम इसको देखिए, सर्कल शेप वाला ब्रेड है, इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि ये रोस्ट हो गया है एक साइड। और फिर से हम इसको कवर करके रख देते हैं 2 मिनट के लिए। तो अब देख लेते हैं, ये देखिए अच्छे से बेक हो रहा है। तो अब हम इसको ना पलट देंगे, जिससे ये दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका, इस तरह से दोनों साइड बेक करने से। और इसको हम इस पे देखिए कितना अच्छा हमारा ये रोस्ट हुआ है ब्रेड। तो अब हम इसको ना कवर्ड कर देते हैं करीब 2 मिनट के लिए। और ये देखिए, हमारा ब्रेड एग सैंडविच तैयार हो गया है। तो निकाल लेते हैं इसे। और ये अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हम सैंडविच स्टाइल में ही इसको कट कर लेते हैं।
और आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ खाइए, बच्चे जैसा खाना चाहें वैसे खाएं, और ये इसी तरह से सादा ही बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा बनता है ये ब्रेड या एग सैंडविच, और हेल्दी भी काफ़ी रहता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खाएंगे इस चीज़ को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।